ठीक है, जो सेंट्रल एशिया की ग्रासलैंड है, हंगरी की ग्रासलैंड, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड, ये सब आपको जियोग्राफी में पढ़ाया गया है 9th 10th, इनसे पहले जो आपने वो पढ़ रखे हैं क्लासेज, ठीक है। तो ये टेम्परेट हो गया। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है, देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इसका देखो एक्सपेंड जो है इस एक्स एक्सिस पे कर रहा है, इसका मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे डोमिनेटिंग चीज़ क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो इसका प्रेसिपिटेशन ये देखो 200 से लेके 400-500 सेंटीमीटर तक होता है इसकी वजह से, और टेम्परेचर हमेशा बहुत फेवरेबल 20-25 के बीच में रहता है, मीन एनुअल टेम्परेचर 25 के आसपास रहता है। इस वजह से यहाँ बहुत प्रोडक्टिविटी होती है और सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस यहाँ पे है। कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है, ये देखो कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है ये ठंडे टेम्परेट रीजन, इन रीजन में पाए जाते हैं। देखो कोनीफेरस फॉरेस्ट का जो रीजन है ना, वो ये समझिए आप, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है दोनों तरफ, इसमें कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो ठंडी जगह हैं, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड है ना, नॉर्थ ईस्ट और JNK जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ों की स्लोप है उसमें ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट में देखो कभी डेजर्ट लाइक सिचुएशन है, 50 सेंटीमीटर के अराउंड बारिश होती है, और कभी सर्दियों में ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है, तो उस वजह से ये 200-300 के आसपास भी है। इसमें भी दो तरीके का रीजन है, एक हॉट रीजन है जिसमें मीन एनुअल टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन एक कोल्ड रीजन भी है जिसमें ये 0 डिग्री या उससे कम भी हो सकता है। तो जस्ट इतनी सी बातें याद रखनी है कि किसी बायोम पर्टिकुलर में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का रेंज क्या है और प्रेसिपिटेशन का रेंज क्या है, इसी को मैंने बोला स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन। तो हर एक बायोम का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वहाँ एक स्पेशल जो है क्लाइमेट का कंडीशन है। अब मैं ये चीज़ समझ गए हैं तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल करना चाह रहा हूँ। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जितना क्लियर समझेंगे चैप्टर उतना ही आपको सेंसफुल लगेगा, ठीक है। देखो जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप इकोसिस्टम बोलते हो तो हम बोलते हैं कि इकोसिस्टम में क्या होता है कि कम्युनिटी होती है प्लस एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट से ये इंटरेक्ट करते हैं कम्युनिटी, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट का एबायोटिक वाला कंपोनेंट हम बोल रहे हैं जिससे ये इंटरेक्ट करता है। जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को ब्रॉड कैटेगरी में 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, ठीक है। और ये जो है एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मान लो ये मान लीजिए सन हो गया, ये जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, पूरी अर्थ के लिए है। अब प्रोड्यूसर की एक स्पीसीज है, इसको कंज्यूम करता है कंज्यूमर, दोनों से बॉडी में, दोनों के बॉडी में जो मिनरल आ जाते हैं उसे डीकम्पोजर, जो डीकम्पोजर है वो डीकम्पोज करता है, और इस मिनरल को वापस जो है, ये जो मिनरल है, इन मिनरल को वापस यहाँ भेज देता है, ये एनर्जी के लिए है, ठीक है। इसको डेल्टा एच इस तरीके से मेंशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एक इकोसिस्टम का सेटअप है। यहाँ से देखो इसे पहली बार एनर्जी मिली एच न्यू प्रोटॉन के फॉर्म में, क्योंकि ये प्लांट होगा ना, प्रोड्यूसर एक प्लांट होगा,
और ये जनरली जो है ये डिफरेंट एनिमल्स होंगे। और डीकम्पोजर में जो चीज़ें हैं जैसे हम बता दे रहे हैं अभी आज के लिए आपको, फंजाई और बैक्टीरिया है, ठीक है। तो एक इकोसिस्टम का जो जनरल सेटअप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये रोल होते हैं। अब ये दुनिया में चाहे जहाँ होगा ना, एक बात जानो, ये दुनिया में चाहे जहाँ होगा, अर्थ की ग्लोब पे चाहे जहाँ होगा, आप थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप से फैमिलियर रहिए तो आपको थोड़ा इकोलॉजी बढ़िया लगेगी, ठीक है। जनरली जब आप कभी टीवी देखते होंगे और उसमें कुछ चैनल होते हैं जो नॉलेज और इंफोटेनमेंट के होते हैं, जैसे कि डिस्कवरी चैनल, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी, तो उसके जो शो आते हैं उन सारे शो में एक्चुअल में आपको इकोलॉजी ही दिखाई जाती है और कुछ नहीं। बस आप अभी तक उसे समझे नहीं हुए। जनरली जब आप उसे देखते हैं ना तो आप उसे साइंटिफिक नज़रिए से नहीं देखते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद जब कभी आप देखिएगा डिस्कवरी का कोई शो देखिएगा, जैसे उसमें क्या शो में दिखाता है, एक लंबा चौड़ा घास का मैदान है, ठीक है, उसमें कई सारे जेब्रा हैं, कई सारे और जो है डियर के स्पीसीज हैं, गजेल हैं, है ना, और बहुत सारे हर्बी बोर्स हैं, और उन हर्बी बोर्स को खाने वाले कार्निबोर शिकारी हैं, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। कभी पानी का सीन दिखाया जाएगा, तो देखो ये कहीं भी आप बात कर रहे हो, कहीं भी ये बात कर रहे हो, चाहे आप एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल सिस्टम की बात कर रहे हो, दोनों जगह पे ये चीज़ होगा कि प्रोड्यूसर होंगे। प्रोड्यूसर वहाँ पे क्या है, घास के मैदान में घास है। कंज्यूमर क्या है, जो सारे एनिमल हैं, हर्बीवोर्स है, और उनके खाने वाले क्या हैं, टॉप कार्निवोर्स, वो भी कंज्यूमर हैं। और जब ये मर जाते हैं तो डीकम्पोजर उनकी लाशों को, उनकी डेड बॉडी को डीकम्पोज कर देते हैं, और इसके बाद वो मिनरल मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट मिल जाता है, उस न्यूट्रिएंट को यूज करके वो घासें और तेज़ी से ग्रो करती हैं, और फिर ये साइकिल चलता रहता है। अभी मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उसके रेफरेंस में मैं थोड़ा बात ला रहा हूँ। देखो यहाँ बेसिकली ये सन सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये पूरा इकोसिस्टम का सेटअप है। इस चीज़ को हम एक इकोसिस्टम बोलते हैं जो कि एक यूनिट की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसमें जो एनवायरनमेंट का फैक्टर है, जो हम एनवायरनमेंट बोल रहे हैं, तो एनवायरनमेंट से देखिए ये इंटरेक्शन है इस तरीके से। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखो ये जो सन है और सन से आने वाली सनलाइट है, तो ये चीज़ आपको मैंने समझाया ना कि देखिए इस ग्लोब पे, दुनिया के ग्लोब पे जो सनलाइट है वो हर जगह एक जैसी नहीं पड़ती है। जैसे इन ट्रॉपिक्स में ये जो एरिया है, जैसे हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं, यहाँ ये मैक्सिमम होती है। इस वजह से सनलाइट सोर्स होता है टेम्परेचर और लाइट दोनों का, तो यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। टेम्परेचर की वजह से हाई इवेपोरेशन होता है और रेन ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेन की कंडीशन होती है। अब इनको मैच करते हुए यहाँ पे फ्लोरा और फौना होते हैं। इस वजह से आपको बताया गया कि यहाँ के जो डोमिनेंट प्लांट हैं वो ईवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। अभी आपको बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है। अब इनको मैच करते हुए, इन प्लांट को मैच करते हुए यहाँ पे एनिमल होंगे। लेकिन चाहे आप जहाँ भी देख रहे हों, अब जैसे मान लीजिए मैं एक और लाइन यहाँ खींच दूँ, ये 66 डिग्री वाली है, इसको हम, इस जोन को हम टेम्परेट बोलते हैं। इस टेम्परेट जोन में अगर आप हैं, जैसे मान लीजिए रसिया में हैं, रसिया एक टेम्परेट जोन का कंट्री है, कनाडा है, जर्मनी है, ये सब टेम्परेट जोन की कंट्री हैं। अगर इन कंट्री में अगर आप जाएं तो यहाँ पे रसिया में बड़े बड़े घास के मैदान हैं, ग्रासलैंड हैं, तो ग्रासलैंड में जो ग्रासेज हैं ये प्रोड्यूसर हो गई, और प्रोड्यूसर के बाद इन पे कंज्यूमर होंगे, और कंज्यूमर के बाद उनके डिकम्पोजर होंगे।
यानी हर जगह, चाहे आप कहीं भी ग्लोब पे रहिए, आपको इकोसिस्टम के जो जो मेन कंपोनेंट है वो एक ही रहेंगे। जैसे मूवी में होता है ना कि दुनिया की कोई भी मूवी आप देखो तो उसमें हीरो हीरोइन विलेन साइड कैरेक्टर होते हैं, अब चाहे वो बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, या टॉलीवुड तमिलनाडु साउथ इंडियन मूवी हो, चाइनीज मूवी हो, सब जगह एक ही रोल होता है। ऐसे दुनिया का कोई भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जो प्लेयर होते हैं उनको रोल तो तीन ही प्ले करना होता है, या इधर वो प्रोड्यूसर होंगे, कंज्यूमर होंगे, या डिकम्पोजर होंगे। हाँ, ये अलग हो सकती है, ये बात अलग हो सकता है कि प्रोड्यूसर की बहुत सारी वैरायटी हों, कंज्यूमर की बहुत सारी वैरायटी हों, डिकम्पोजर की बहुत सारी वैरायटी हों, या फिर इनकी कम वैरायटी हों। जैसे अगर आप पोल पे चले गए तो पोल पे मैंने बताया था कि वहाँ पे रेनफॉल और टेम्परेचर जो है वो बहुत फेवरेबल नहीं है, तो वो लो बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है, या डेजर्ट में चले गए तो लो बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है, तो वहाँ पे जो स्पीसीज की रिचनेस है, मतलब एक यूनिट एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज कम होंगी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि ये तीनों एक साथ ना हों, क्योंकि अगर ये तीनों नहीं रहेंगे तो इकोसिस्टम का जो मेन रोल है, इकोसिस्टम का देखिए मेन रोल क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, इकोसिस्टम के दो मेन रोल होते हैं, ठीक है। इसीलिए अर्थ पे बहुत सारा इकोसिस्टम है, एक तो होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट इसके इकोसिस्टम में घूमता रहता है, और दूसरा होता है एनर्जी, एनर्जी को साइक्लिंग, एनर्जी घूमती रहती है। जैसे देखिए ये सन है, सन से एनर्जी प्रोड्यूसर में आई, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गई, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों जब मर जाते हैं, डिकम्पोजर इन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और एनर्जी इनसे बाहर वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है, और जो मिनरल है जो प्रोड्यूसर की बॉडी में आया था, कंज्यूमर की बॉडी में आया था, ये वापस इसे सॉयल में, मिट्टी में मिला देते हैं, और ये मिनरल वापस प्रोड्यूसर, अगले प्लांट इसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो कंज्यूमर में जाता है। इसी चीज़ को मैंने लिखा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एनर्जी साइक्लिंग, ये मेन वर्क होता है किसी भी इकोसिस्टम में, तो ये इसे परफॉर्म करेंगे। अब जैसे कि मैं जो अभी टॉपिक मेंशन कर रहा था बायोम्स, उसके रेफरेंस में कुछ बातें आपसे करना चाह रहा हूँ, उसको लेते हैं। जैसे जो बायोम है, तो मैंने आपको क्या बताया था बायोम के बारे में, जो हम बायोम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए बायोम में ना ये जो एनवायरनमेंट है इकोसिस्टम का, ये वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है। बायोम में ये जो एनवायरनमेंट है ये वहाँ की हम क्लाइमेटिक रेंज को बोलते हैं। तो जैसे एक बड़ी सी एरिया, जैसे ये पूरे रीजन को आपने ले लिया, ये जो है ये आपका हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा, समझे इस बात को, ये हजारों किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। एक चीज़ और बता दूं आपको, एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं हैबिटेट, ठीक है, उससे कंफ्यूज ना हो तो ये आपको समझा दूं। हैबिटेट का मतलब ये है कि ये सारे जो कम्युनिटी हैं, ये कम्युनिटी है, इन्हीं को हम कम्युनिटी बोल रहे थे, ये एनिमल की कम्युनिटी है, ये डिकम्पोजर की कम्युनिटी है, डिफरेंट कम्युनिटी इस एक पर्टिकुलर एरिया में, एरिया मतलब जियोग्राफी में, एरिया का मतलब जियोग्राफी पे ही होगा, कोई भी जो लाइफ है वो अर्थ की सरफेस पे है, और अर्थ की सरफेस पे जो चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसकी स्टडी हम जियोग्राफी में करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक जो पर्टिकुलर जियोग्राफी है जिसमें ये कम्युनिटी आपस में साथ साथ रहते हैं, जैसे सारे जो प्रोड्यूसर प्लांट यहाँ पे होंगे, जैसे 8-10 वैरायटी की घासें हैं, 8-10 वैरायटी के हर्बीवोर्स हैं, 4-5 वैरायटी के कार्निवोर्स हैं, 8-10 वैरायटी के डीकम्पोजर हैं, तो ये सब आपस में मैटर और एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट और एनर्जी के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे जैसे आपको डिजाइन मैंने दिखाया, ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे हैं।
तो जो हमने बोला था, जो आपको इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको समझाने की कोशिश की गई थी, उसमें क्या बताया गया था? उसमें ये बताया गया था कि पहले ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे यहाँ से कोई एक प्लांट ले लो, ठीक है, तो ये प्लांट किसी एक पॉपुलेशन का पार्ट होगा, और वो जो पॉपुलेशन है वो एक कम्युनिटी की पार्ट होगी, तो सारे जो ग्रीन प्लांट है उन सब की एक कम्युनिटी होगी, ऐसे ही सारे जो कंज्यूमर हैं उनकी एक कम्युनिटी होगी, ऐसे सारे डिकम्पोजर की एक कम्युनिटी होगी, और ये कम्युनिटी आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं दो बातों के लिए, एक मैटर का एक्सचेंज और एक एनर्जी का एक्सचेंज, ठीक है। मैटर का एक्सचेंज न्यूट्रिएंट के फॉर्म में होता है, और एनर्जी उन न्यूट्रिएंट के बॉन्ड में जो एनर्जी होती उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला कि ये एक पर्टिकुलर जियोग्राफी है, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अब दो चीज़ें हैं, जैसे किसी प्लांट के नज़रिए से देखें तो इसके पास दो चीज़ें हैं, इसके डिकम्पोजर, इसके प्रीडेटर, जो एनिमल है ना वो इसको प्रीडेटर ही है, ये इसका शिकार ही कर रहा है, ठीक है। तो इनको हम बोलते थे कि ये इनके बायोटिक कंपोनेंट हैं, ठीक है। इस प्लांट के रिफरेंस में अगर इस जियोग्राफी को ले लें, जैसे हैबिटेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो हैबिटेट के कॉन्सेप्ट को आप जनरली बोलते हैं जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता उसकी सराउंडिंग को हमें हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट बना किन चीज़ों से होता वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इस हैबिटेट में इसके ये लिविंग कंपोनेंट हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट है। नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होगा? वाटर की अवेलेबिलिटी, सॉयल की क्वालिटी, मिट्टी किस टाइप की है, प्लांट के नज़रिए इसमें बात कर रहा हूँ, पानी की क्या अवेलेबिलिटी है, बारिश कब होती है, सूखे का मौसम कैसा होता है, उसी को सूट करता हुआ यहाँ पे प्लांट होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लांट का क्या अरेंजमेंट है, समझ रहे इस बात को। अब जो है हैबिटेट का मतलब ये हो गया कि एक वो पर्टिकुलर जियोग्राफी जिसमें कम्युनिटी जो रहती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं उसको हम हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। ये हैबिटेट जो है, इस हैबिटेट में इंटरेक्टिंग कम्युनिटी को अगर जोड़ दिया जाए, ये हैबिटेट है और इसमें सारी अगर हम कम्युनिटी को जोड़ दिए गए तो इसको हम बोलने लगते हैं कि ये इकोसिस्टम है। ये फंक्शनल डिफिनीशन, एक्चुअल में इकोसिस्टम ना एक फंक्शनल डिफिनीशन है कि जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो करता क्या हो, वो बना ही क्यों है, उसका रोल क्या है, उसको करना क्या है। और जो बायोम है, जो बायोम है वो भी इकोसिस्टम है, लेकिन बायोम में हमें ये मतलब नहीं होता वो करता क्या है। बायोम में हमारा मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में किस टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि साइबेरिया के रीजन में टैगा फॉरेस्ट होता है, तो साइबेरिया का रीजन ग्लोब पे कहाँ है, तो आप देखते हैं साइबेरिया का रीजन यहाँ है, यहाँ पे टैगा फॉरेस्ट होते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, वो ऐसा क्यों होते हैं। तो हमने जब चेक किया तो यहाँ मीन एनुअल टेम्परेचर और जो मीन एनुअल रेन का जो रेंज था वो उन्हीं फॉरेस्ट के लिए था, इस वजह से ये यहाँ पे हैं। तो एक्चुअल में जब आप किसी बायोम की बात कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, और जब आप एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो इनके फंक्शनल रोल पे ज़्यादा हमें फोकस होता है कि ये लोग करते क्या हैं, इनका यहाँ होने का पर्पज क्या है। जैसे देखो आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें एक बहुत एक ओपनिंग रिमार्क यहाँ पे दिया गया है, इसको मैं थोड़ा आपको समझाऊं। ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है तो आपको लेक्चर थोड़ा सुनना पड़ेगा, ठीक है, उसकी थोड़ा आप आदत डालिए। जैसे यहाँ पे देखिए आपको मेंशन किया गया है, एक एग्जांपल मेंशन किया गया है कि इकोलॉजी में हमारा इंटरेस्ट क्या है। अब जो है जैसा मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी तो वहीं से बात नहीं ख़त्म हो जाती है, मैं यहाँ आपको ले आना चाहता हूँ ताकि आपको फोकस ये किया जा सके कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप देख रहे हैं तो उसके डायमेंशन को समझ पाएँ कि
अगर इकोसिस्टम हमें पता हो गया था तो वापस हमें बायोम बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक बात तो मैंने आपको समझा दी कि एक क्लाइमेट स्पेसिफिक क्लाइमेट, एक बड़ी एरिया में जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के सूटेबल जो फ्लोरा और फौना की कंपोजिशन है उसको आप बोलने लगते हैं बायोम। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया कि जो क्लाइमेट है क्लाइमेट का छोटा पोर्शन भी होगा। जैसे आप छोटे एरिया को देख रहे हैं तो वहाँ भी, यहाँ इकोसिस्टम में भी कम्युनिटी है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ही तो क्लाइमेट है। तो फिर हमने दो दो वर्ड क्यों क्रिएट किए? इसी एम्बिगुटी को ख़त्म करने के लिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपके बुक में दिखा है, देखो लिखा है एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल मेंशन किया गया, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन वी मे आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे बर्ड जो है, बुलबुल नहीं, कोई भी बर्ड की सिंगिंग अगर आप सुनते हैं तो दो तरीके से आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हाई टाइप, बुलबुल गाना क्यों गाती है, और दूसरी है हाउ टाइप, वो गाना कैसे गाती है। हाउ का मतलब होता है मैकेनिज्म, ठीक है, और वाई का मतलब होता है सिग्निफिकेंस, कि उसको गाने गाने की ज़रूरत क्या है। अगर वाई टाइप के आंसर करेंगे तो उसका मतलब है कि वो दूसरी स्पीसीज अपनी स्पीसीज की, मतलब अपने मेटिंग पार्टनर को कॉल दे रही है मेटिंग के लिए इस वजह से। तो बुलबुल क्या है, एक इंडिविजुअल, कोई एक ही बुलबुल गाना नहीं गाती, सारी बुलबुल गाना गाती हैं। इसका मतलब है कि जो सिंगिंग इन बुलबुल पर्टिकुलर है वो सारी की सारी पॉपुलेशन की क्राइटेरिया है। मतलब ये एक पॉपुलेशन में ये चीज़ पहले से है इनबिल्ड कि उसमें सिंगिंग कैपेसिटी है, और वो सिंग इसलिए करती हैं कि वो अपने मेल पार्टनर को बुलाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के लेवल पे ही रिप्रोडक्शन होगा। और जब वो इस तरीके से वो गाने गा के उसको बुला रही है तो इसका मतलब पॉपुलेशन के लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ज्यों ही इंटरेक्शन की बात होती है त्यों ही हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। और दूसरा क्या है, दूसरे में मैकेनिज्म की बात होती है कि वो गाना कैसे गाती है, यानी साउंड प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म। तो उसके लिए आपको साउंड बॉक्स और इन सब के रिलेटेड डिफिनीशन दी जाएगी। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे ये डिफरेंसेस तो इस बात को क्रिएट करने के लिए बताया गया था कि जब आप ये जानना चाहें कि बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल की लिमिट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक जैसे ही हैं। बायोलॉजिकल का मतलब जब आप मैकेनिज्म स्पेसिफिक हों और इको